हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैनन कनेक्शन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटरसाइकिल की चेन कैसा क्लीन करना है और कैसा ल्यूब करना है। वी विल अंडरस्टैंड हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द चेन एंड स्प्रॉकेट वर्क्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट कंप्राइजेस ऑफ द चेन एंड हाउ टू क्लीन इट द राइट वे। लेट्स गेट टू इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मोटरसाइकिल की चेन क्लीनिंग करने में ये है कि आपके पास ये रियर स्टैंड हो। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है इसको क्लीन करना, क्योंकि आपका रियर व्हील फ्री हो जाता है। मोटरसाइकिल स्टैंड एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है रग्स क्लोथ, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी चेन को साफ़ करने में, क्लीन करने में। यू डोंट नीड एनी स्पेशल क्लोथ, जो भी घर में कॉटन का या टॉवल टाइप का कपड़ा है वो ले लो। और मैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास ये है स्पेशल ब्रश जो मैं यूज़ करता हूँ। ये थ्री साइडेड ब्रश है, ये बहुत अच्छा है। अमेज़ॉन पे से मैंने लिया था $10-11 का। इसके साथ में और भी कुछ आता है, ऐसा पूरा पैकेट आता है। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट प्रॉब्ली स्प्रॉकेट्स को भी आप क्लीन कर सकते हो उससे, बट दिस प्रीटी मच डज द जॉब। तो ये एक ब्रश बहुत अच्छा है, वरना नॉर्मल घर का यूज़ किया हुआ टूथब्रश जो बचपन में हम लोग यूज़ करते थे साइकिल की चेन साफ़ करने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। इट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है, अच्छा है ये। दिस इज़ मच ईजियर टू क्लीन एंड मच मोर एफिशिएंट टू क्लीन। ये एक चीज़ है। उसके अलावा ये मैक्सिमा के तीन चेन क्लीनर का पैकेट आता है। तो ये है मैक्सिमा का क्लीनअप चेन क्लीनर, इससे पहले चेन को क्लीन करेंगे। फिर है मल्टीपर्पज़ पेनिट्रेटिंग ल्यूब, ये तीनों का एक ही पैकेट आता है। मैं नीचे लिंक डालूँगा अमेज़ॉन की। ये आपके चेन पे डाल के थोड़ी देर रख देने का बाद में, फिर वो थोड़ा डर्ट वर्ट पूरा खींच लेता है। एंड देन फाइनली ऑन टॉप ऑफ दैट यू डू द एक्चुअल वैक्स और द ल्यूब, जो आपका मेन ल्यूब है, जो मेन कंपोनेंट है आपका आफ्टर क्लीनिंग। तो अगर आप ये अवॉइड भी करोगे देन ऑल्सो इट्स ओके, बट तीनों आया है तो मैं तीनों यूज़ करता हूँ जनरली। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने मेरे हर वीडियो में बताया हूँ कि बाइक का काम करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे हाथ की सफाई। अगर सफाई से काम नहीं कर रहे हो आप, तो कोई मतलब नहीं है, खुद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अवॉइड करता हूँ चेन क्लीनिंग में, वो ये है कि मैंने फुट्टा डाला है। इसके मैं आपको यूज़ बताता हूँ, ये फुट्टे का यूज़ किया है। ये कोई भी नॉर्मल फुट्टा है, ये मेरी ड्रिल मशीन का पैकेट का फुट्टा है तो मैंने ले लिया। बट इसका यूज़ ये है कि अगर आप जब चेन को क्लीन करोगे राइट, तो आपका ये मैगविल्स ख़राब होगा स्प्रे करोगे तो। वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट, वी रियली वॉन्ट टू अवॉइड वाइल क्लीनिंग द चेन टू ये आपका मैगविल पे ऑयल या वो सब नहीं गिरना चाहिए। तो आप क्या करना, ऐसा कोई फुट्टा ले लो, इसको नीचे से ऐसा स्लाइड कर देंगे हम लोग आपके चेन पे। करो आप स्प्रे करोगे तो आपके फुट्टे पे लगेगा, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। कुछ भी करो आपके चेन को, कुछ चेन क्लीन होगी बट आपका ये इसको कुछ नहीं होगा पीछे मैगविल को। तो ये गोल है, चेन क्लीन कैसा करना है उसको पहले, इसके लिए पहले चेन का पहले स्ट्रक्चर समझ लो। तो दो तरीके की चेन आती है मोटरसाइकिल की, एक है मेटल ऑन मेटल और एक मेटल ऑन मेटल प्लस ओरिंग्स। तो ये जो है मेटल ऑन मेटल प्लस ओरिंग है, तो इसमें ये जो लिंक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द आउटर लिंक, ये हमारी आउटर लिंक है। इसके बीच में जो दिख रही है आपको ये वाली, वो इनर लिंक है। ये आपका स्प्रॉकेट है जो चेन को ड्राइव करता है, और इन दोनों इनर और आउटर लिंक के बीच में आपकी होती है रिंग्स, ओ रिंग्स, ये इसके बीच में और आपका ये बैरल है, दैट इज़ जस्ट टू होल्ड द इनर एंड आउटर रिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर समझना। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो आप क्लीन सही से नहीं कर पाओगे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जब चेन को लूप करते हैं तो हम लोग ये पूरे हिस्से को ग्रीस से भर देते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से ग्रीस से भरना मतलब और डर्ट को और स्टोन को ग्रेवल को अपने तरफ के, अगर आप देखोगे राइट, तो बारीक बारीक डस्ट और बारीक बारीक स्टोन पार्टिकल्स और ग्रेवल आपके चेन में अक्यूमुलेट होता है। एंड देन इट स्पॉइल्स योर स्प्रॉकेट टीथ, जो आपके स्प्रॉकेट टीथ है राइट, ये आपका रियर स्प्रॉकेट है। इनर स्प्रॉकेट जो होता है अंदर यहाँ पे पीछे होता है गियर के पास। तो आपका ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा व्हील का ड्राइव जो है ये चेन कंट्रोल करती है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, एक चेन के थ्रू आपका ड्राइव रियल व्हील ड्राइव कंट्रोल होता है, एक शाफ्ट, बहुत सारी बाइक में शाफ्ट यूज़ होता है, बहुत सारी बाइक में बेल्ट्स यूज़ होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ है। बट व्हेन यू यूज जनरली चेन यूज़ होती है, तो चेन यूज़ होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर चेन इन रेनी सीजन। रश नहीं खाना चाहिए इन विंटर सीजन, यहाँ पे लूब इट प्रॉपरली, नॉट मोर नॉट लेस, अननेसेसरी ग्रीस मत यूज़ करो। जनरली हम लोग जब
बाइक चलाना शुरू किया तो मैकेनिक के बाइक लेके जाते थे, बोलते थे भाई लूप चेन चेन क्लीन करना, लूप करना है, तो क्लीन विलीन तो कुछ नहीं, वो इंजन ऑयल यूज़ किया हुआ रहता था, वही कुप्पी में लेके वो मार देता था। तो उससे क्या है, वो उसकी विस्कोसिटी वो ऑयल की ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और वो ज़्यादा चिकना करने से प्रॉब्लम ये है कि वो और डर्ट को खींचेगा आपके आपकी चेन के पास। तो वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट, वी जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपकी चेन को लुब्रिकेंट जो चाहिए ना वो बाहर के हिस्से में नहीं चाहिए, ये जो बीच में जो इनर और आउटर लिंक के बीच में जो रिंग है राइट, दैट्स ऑल दैट नीड्स टू बी लुब्रिकेटेड, दैट एंड देन दिस बैरल एंड देन दिस क्लिप। तो ये चार पांच चीज़ों से ये पूरी चेन का स्ट्रक्चर बनता है, आउटर लिंक, इनर लिंक, ओ रिंग, बैरल्स। ये जो इनर पोर्शन है ना, इसी को अगर आपने बरोबर लुब्रिकेट और क्लीन कर लिया ना, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ये आउटर पोर्शन पे इतना ग्रीस भर के वो कुछ मतलब नहीं है, डजंट हेल्प एट ऑल, बल्कि वो और ग्रेवल अट्रैक्ट करता है। एंड एज आई सेड, काम में सफाई पैदा करो अपनी, अवॉइड करो प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करोगे तो सॉल्व करने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे द वन वे इज़ के, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चेन में ऑयल डालोगे, जब ऑयल क्लीन करोगे इसको तो जब बाइक चलाओगे तो उड़ेगा नहीं, ऑफ कोर्स वो थोड़ा मैसी होगा आगे, बट एटलीस्ट मैगविल जो आपका इंपॉर्टेंट है राइट, उसको आपको वापस घस के धोना नहीं पड़ेगा, इससे आप वो अवॉइड करोगे। तो इतने पोर्शन में हम लोग चेन का यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये पीछे का फुट्टा ख़राब होगा बट आपकी बाइक एज सच ख़राब नहीं होगी, खाली जो भी डर्ट है राइट, उसको खाली घस घस के निकाल देंगे। अगेन क्लीन करना है आपको वही इनर और आउटर रिंग के बीच का हिस्सा, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। और जैसे ही आप राइड पे जाते हो उसके पहले करो, बाइक वॉश करने के बाद, बाइक वॉश करने के पहले भी कर सकते हो, बट देन अगेन फिर चेन के ऊपर पानी वानी उड़ेगा। खाली आपको आपका ऑलरेडी गंदा होना चालू हो गया, देखो ये पूरा पूरा जो ये जो नीचे गिर रहा है, ये अगर मैं फुट्टा नहीं रखता तो आपका पूरा मैगविल ख़राब हो जाता। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके बाद हम लोग पेनिट्रेटिंग ल्यूब यूज़ करेंगे, क्लीनर यूज़ करेंगे, वो सब यूज़ करेंगे, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो जो नीचे गिरा हुआ, कुछ भी रख लो बट इट डजंट मैटर, ये कॉन्क्रीट है सूख जाएगा, बट ये जो चीज़ है ना ये आपको बहुत मेहनत लगेगी। अब ये आपने लगा दिया राइट, अब इसको बेसिक ऐसा अच्छे से खाली क्लीन करते चले जाना आपको, दैट्स इट। पॉइंट ये है कि पहले डस्ट निकालना है आपको, डस्ट के ऊपर लूप नहीं करना है, दैट्स ऑल, दैट्स द गोल। और एज आई सेड अर्लियर, हमारा गोल ये बाहर की रिंग्स को पूरा ग्रीस भरना नहीं है, ग्रीस भर के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और कचरा बल्कि अट्रैक्ट होगा उसमें। तो ये हो गया आपका चेन क्लीन MPPL मल्टीपर्पज़ पेनिट्रेंट ल्यूब, ये तुम्हारे रस्ट को और मॉइस्ट को सब हटा देके और ऑयल को अपना जो अपन लूप करेंगे उसको पकड़े रखता है रिंग्स के ही। मेरा टारगेट देखो वही है, रिंग्स के अंदर ही है, इनर आउटर लिंक्स के बीच में। ये सब चीज़ के लिए मैकेनिक के पास मत जाओ, खुद ही करो बैठ के सुकून से, एकदम सफाई से एकदम। ये हो गया आपका रेवोल्यूशन कंप्लीट। फाइनल आपका जो काम है वो ये है कि आपको यूज़ करना है ये वैक्स, अगेन टारगेट द रिंग्स, कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर लिंग एंड आउटर लिंग, दैट्स ऑल। दैट्स इट, हो गया आपकी चेन लूप। इसको थोड़ी देर रहने दो, बाद में हम लोग चेन को अच्छे से पोंछ देंगे। साफ रखो चेन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके स्प्रॉकेट्स की लाइफ के लिए, आपके स्प्रॉकेट्स के टीथ के लिए। पूरा आपका जो बाइक चल रही है वो चेन के बलबूते पे चल रही है, चेन बरोबर टाइट एंड लूज पीरियोडिकली चेक करते रहो, देन लूप करते रहो उसको। महीने में आई थिंक वंस इन अ मंथ एटलीस्ट आई थिंक यू शुड बी लूबिंग योर चेन प्रॉपरली। कोई डर्ट नहीं होना चाहिए इस प्रॉकेट्स के ऊपर, और मैगविल पे एक छीटा नहीं है ऑयल का, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने फुट्टा लगाया था। ये देखो पूरा फुट्टा ख़राब हो गया आपका, इसको आप फेंक सकते हो,
दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बट अपना मैकव्हील को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अपने को भी एकदम साफ है। और आपका ऑयल भी लूप हो गया अच्छे से। सो मिलते हैं दोस्तों अगले मेंटेनेंस वीडियो में। इसके पहले मैंने एक ZX6R का एंटायर ऑयल चेंज का वीडियो बनाया था। ये ल्यूब चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग का वीडियो है। कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूँ बाइक पे मेंटेनेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अंटिल देन बाय बाय।